अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक अगेन इन असमान डिजिटल वर्ल्ड। यहाँ पे है जी सुबह का टाइम और मैं किचन में आई थी चाय बनाने के लिए। बच्चे अभी सोए हुए थे और गर्मी बहुत ज़्यादा थी और बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा था कि कुछ हैवी खाया जाए सुबह सुबह। सो मैंने और मेरे हस्बैंड ने सिर्फ चाय और केक रस्क ले लिए थे। बच्चे अभी सोए हुए थे तो मैं उनके कपड़े वगैरह निकाल रही थी। आज बच्चों ने यूनिफॉर्म नहीं पहनना था, उनकी स्कूल में गोल्डन एक्टिविटी थी। सो बच्चों का मुफ्ती डे था और गोल्डन एक्टिविटी थी और ये मैंने बच्चों के कपड़े निकाले थे। रोहान को अपनी ये शर्ट बहुत ज़्यादा पसंद है, डायनासोर उसके ऑल टाइम फेवरेट हैं। लेकिन अयान ने जो है वो बाद में अपनी शर्ट जो है वो चेंज कर ली थी, उसने सोनिक बूम वाली पहन ली थी। और यहाँ पे मैंने साथ में जो है वो डिफ्यूज़र भी ऑन कर दिया था ताकि घर में एक अच्छी सी स्मेल आए। और आज बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे गर्मी है यूके में और रेड वार्निंग है फॉर 2 डेज स्पेशली 18th of July और 19th of July तक। और बहुत ही यहाँ पे सख्त गर्मी होने वाली है। कल भी बहुत ज़्यादा गर्मी थी और आज भी, आज 19th of July है जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, और आज भी एक्सट्रीम हॉट वेदर है इधर। और 42 तक लंदन में टेम्परेचर जो है वो एक्सपेक्टेड है। और हमारी साइड पे भी कल 39 तक टेम्परेचर गया था और आज भी ऐसा ही है। सो यहाँ पे रेड वार्निंग है और 2 दिन के लिए कि आप अपने घरों में रहें। और सन क्रीम वगैरह मैं बच्चों को लगा के डेली भेजती हूँ स्कूल में वैसे भी, और आज तो स्पेशली ख़ास तौर पे मैं रूहान को लगा रही थी, उसके बाजुओं पे, उसकी लेग्स पे, नेक पे, फेस पे। अयान तो ख़ुद लगा लेता लेकिन रूहान को मैं ख़ुद लगाती हूँ अच्छी तरह से। और यहाँ पे वैसे बच्चों को स्कूल में भी रिमाइंड करवाते हैं कि आपने सन क्रीम लगानी है, और मैसेज भी सेंड करते हैं पेरेंट्स को कि बच्चों को सन हेयर सन क्रीम वाटर बॉटल्स दे के भेजें। और वैसे स्कूल में भी वाटर अवेलेबल होता है, बच्चे वहाँ पर रिफ़िल कर सकते हैं। और आज मैं बच्चों के लिए, टीचर्स के लिए ये गिफ्ट पैक कर रही हूँ। ये मैंने कार्ड फैक्ट्री से लिए थे। और बच्चों का जो है वो समर ब्रेक स्टार्ट होने वाली हैं इंशाल्लाह, वेंसडे को बच्चों की फ़र्स्ट जो है वो हॉलीडे होगी। और ये मैंने रूहान की टीचर के लिए लिया था, ये है मग नंबर 1 टीचर। और ये मैंने दोनों जो है वो कार्ड फैक्ट्री से लिए थे। कार्ड फैक्ट्री में बहुत ही प्यारे प्यारे टीचर्स के लिए गिफ्ट्स और कार्ड्स वगैरह होते हैं हर दफ़ा। सो मैं हर साल जो है वो कार्ड फैक्ट्री से ही मोस्टली टीचर्स के लिए गिफ्ट लेती हूँ। और ये लेवेंडर वाला कप और बैग जो है ये अयान की टीचर के लिए है, और ये मुझे भी बहुत अच्छा लगा था। सो बस मैं इनको पैक कर दूँगी और बच्चों को दे दूँगी, बच्चे जो है वो फिर अपनी टीचर्स को दे देंगे। और यहाँ पे समर ब्रेक जो है बस स्टार्ट होने वाली, एक उनकी छुट्टी रह गई है, आज उनका लास्ट डे है स्कूल में। और जब मैं ये पैक कर रही हूँ, ये मंडे का दिन है कल का, और आज जो है बच्चे लास्ट डे स्कूल जो है वो गए हुए हैं, और कल से इंशाल्लाह बुध से उनकी फ़र्स्ट हॉलीडे होगी। और मैं बच्चों को अभी बस स्कूल ड्रॉप किया था, और उसके बाद ये हम तकरीबन ये टाइम था 11 बजे का, तो हमने फिर नाश्ता कर लिया था और मैं और यहाँ पे मैं और नया पहुँच गए हैं शॉपिंग पे। और बच्चों की समर ब्रेक्स के लिए मुझे कुछ उनकी बुक्स वगैरह चाहिए थी, कुछ एक्टिविटीज़ वगैरह चाहिए थी, सो वो लेने ही मुझे जाना था। मैं और नया पहुँच गए हैं शॉपिंग पे, और यहाँ से मेरा प्लान है कि मैं फाउंडलैंड B&M और होम बार्गेन और विल्को का चक्कर लगाऊँ, और उसके बाद फिर थोड़ी देर का प्लान है, देखते हैं यहाँ से कुछ मिलता है या नहीं। बच्चों के लिए कुछ बुक्स वगैरह लेनी है एक्टिविटी फॉर समर हॉलीडेज़, ताकि बच्चे बिजी रहें, और देखते हैं कुछ मिलता है। और बुक्स का चक्कर लगा लिया, मैं जाने लगी हूँ बार्गेन और विल्को, और यहाँ से देखने कुछ मिलता है। वापस आ गई हूँ, अभी बनाने लगी हूँ स्ट्रॉबेरी एंड बनाना शेक। बहुत गर्मी है बाहर, और यहाँ पे हो गया है जी स्ट्रॉबेरी और बनाना शेक रेडी। बहुत ही मज़े का बनता है, मैं हमेशा जब भी शेक्स बनाती हूँ उस पर बनाना ज़रूर ऐड करती हूँ, उससे एक अच्छा सा टेक्सचर और क्रीमी फ्लेवर आता है जो बहुत अच्छा लगता है।
हीट चेक करें ज़रा बाहर, मैंने आगे किया हुआ ब्लाइंड, ये देख इतनी तेज़ धूप है इधर। अभी हम बच्चों को स्कूल लेने जा रही हूँ इसी धूप में, इसको आगे कर देते हैं। अभी बच्चों को स्कूल लेने जा रही हूँ, इतनी गर्म हवा और इतनी गर्मी है, एक्सट्रीम हॉट वेदर, 37 है इस टाइम टेम्परेचर। हम तो जल गए हैं, यू के पिक कर लिया है और अभी हम जा रहे हैं वापस घर। रहान, हाउ वाज योर डे? क्रेजी डे, हॉट डे। रूहानी सिंह इज बर्निंग, बहुत ही गर्म हवा है और 37 टेम्परेचर अभी इस टाइम। कभी ऐसे नहीं हुआ सालों में, कहते हैं कि 1976 के बाद अब यहाँ पे रिकॉर्ड ब्रेकिंग जो है ना वो टेम्परेचर है यूके में, और स्पेन से कोई हीट वेव है जो फ्रांस तक पहुँची है फिर यूके में आई है। सो हॉट, बर्निंग हॉट। अभी जा रहे हैं घर, बच्चों का आज कलर डे भी था, गोल्डन एक्टिविटी थी। सो अभी जाके बच्चे आइसक्रीम वगैरह खाते हैं, लॉली खाते हैं, रिलैक्स करते हैं। पेंट हिज शर्ट, ही पेंटेड दिस शर्ट, वेरी नाइस शर्ट इन स्कूल टुडे। फर्स्ट यू ड्रा दिस वन, what and this car is? Tesla. Wow. What this Tesla car is? What's special about it? Because it's faster than a Lamborghini. Wow. Very nice. And then you iron this? Teacher iron for you? Yes, and then print it out. Very nice. I love it. कल इनका लास्ट डे है स्कूल में बच्चों का, और बच्चों ने स्कूल में ये शर्ट बनाई है, वेरी नाइस, लव इट। कैन आई मेक योर पिक्चर? नाइस वन। कैन आई मेक योर पिक्चर? आइसक्रीम यान, यू गॉट योर आइसक्रीम? रोहान, यू वांट योर लॉली? इना, व्हाट यू वांट? और मैं तो खाऊंगी अपनी ये कुल्फी आइसक्रीम, वैसे ये भी है मेरे पास। व्हाट यू वांट? यू वांट दिस वन? नो, आई वांट दिस वन। ओके, यू कैन हैव इट, टेक इट प्लीज। रोहान, इट्स फॉर यू, फिर आइए, कम ऑन। रेडी हो रहा है बच्चों का खाना, रोहान ने फ्राइज़ खाने होते हैं आके, तो उसको मैं बना के दे रही हूँ एयर फ्राई में, प्रिंकल फ्राइज बड़े वाले, और आयान को मैं बनाते हुए देखती हूँ आज बेबी पोटैटोज इन एयर फ्राई। तो इनाया ने मुझे दिया था फ्लावर, वैसे तो उसके बाबा ने दिया था, इनाया के हाथ भेजा था, इसको मैंने इस तरह से बॉटल में पानी डाल के रख दिया हुआ है। अभी तक तो ठीक है ये, और ये फेक है, लेकिन ये वाला जो ना ये रियल है। और धूप चेक करने कितनी तेज़ है। रोहान का हो गया रेडी, साथ में मैंने इसको दो बिस्किट्स दे दिए हैं, और अभी आके उसने यही खाना होता है, उसके बाद फिर वो थोड़ी देर बाद दूध पी लेता है, और उसके बाद फिर रोटी या पराठा जब रात को खाना होता है वो खा लेता है। मैंने बेबी पोटैटो जो है इनको भी वॉश कर लिया था, और ये ड्राई हो गए हैं, टावल पर रख दिया था मैंने, और उसके ऊपर मैं थोड़ा सा ये लगाऊंगी हॉट पेरी पेरी रब जो है ईस्ट एंड का, और ये लगा के अपने लास्ट टाइम जो है ना बारबेक्यू वाले दिन हमने बनाए थे, बहुत अच्छे बने थे, लेकिन आज मैं इसको एयर फ्राई में बनाऊंगी, थोड़ा सा लगाऊंगी क्योंकि गले ख़राब हैं बच्चों के भी, मेरा भी गला ख़राब हुआ हुआ है। सो थोड़ा सा बस टेस्ट देने के लिए, यान कह रहे हैं कि उसको स्पाइसी खाने हैं, तो थोड़ा सा बस ये लगाऊंगी पेरी पेरी रब। आप इसको चिकन पे लगाएं, मीट पे लगाएं, वेजीज के ऊपर लगाएं, सो आप इसको इस मसाले को कहीं भी लगा सकते हैं। थोड़ा सा ऑयल लगाऊंगी, और ये थोड़ा सा मसाला, थोड़ा सा बिल्कुल बहुत ज़्यादा नहीं, इसको मैं हाफ कट कर लूँगी ताकि जो है ना वो अच्छी तरह से जल्दी बन जाए, वरना देर लगेगी। काट लेते हैं, ये तो छोटा सा ऐसे चाहिए, छोटे वाले ऐसे डाल दूँगी, और बड़े वाले को जो ना थोड़ा सा कट कर लेते हैं ताकि जल्दी गल जाए, इतनी देर बचा तो सब नहीं होता। ये मैं 3 दिन हो गए लेके आई थी रजा से, जब हमने की थी रोस्टिंग, और अभी तक ये बने नहीं हैं, सोचा इसको बना ही लेते हैं। सारी नहीं बनाती, इतने से मैंने काट लिए, ये वाले छोड़ दिए क्योंकि ज़्यादा हो जाने थे, ये फिर बना लेंगे किसी दिन। अभी इसके अंदर थोड़ा सा ऑयल डालती हूँ और मसाला डालती हूँ। ये गया इसके अंदर थोड़ा सा ऑयल, इतना ही काफ़ी है, और बिल्कुल मैंने थोड़ा सा इसके अंदर मसाला डालना, बहुत ज़्यादा नहीं डालना, अगर गला ख़राब नहीं होता तो फिर शायद मैं थोड़ा सा स्पाइसी इसको कर लेती, लेकिन अभी मैं फिलहाल बहुत थोड़ा डाल ली दर्शित, इसको कर लेते हैं मिक्स अच्छा सा। आप चाहें तो लेमन जूस भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने गले की वजह से नहीं ऐड करी, उसे मैंने ऐड किया था, लेकिन आज मैं ऐड कर रही हूँ किस तरह। अभी ये जब पकेंगे ना तो ये स्पाइस थोड़ा जैसे भी कम हो जाएगी, इसको बंद कर लेते हैं, शायद मैं इसके अंदर थोड़ा सा और भी डाल लेती हूँ, क्या पता बच्चों को अच्छे लगे।
गए रेडी। अब इसको एयर फ्राई में डालने लगी हूँ। नहीं समझना कि ये स्पाइसी हो गया, जाहिर है ये पेरी पेरी मसाला है तो इसके अंदर फूड कलर ऐड किया होता है जैसे तंदूरी मसाले में, तो इसलिए इसका कलर जो है ना वो रेड है ज़्यादा। डालती हैं इसको एयर फ्राई में, तो चलाते हैं और इसको मैं तकरीबन 10 मिनट तक रखूँगी। 10 मिनट के बाद मैं इसको 10 मिनट के बाद मैं इसको चेक कर लूँगी। देखें कितने मज़े के बने हैं, खाए बगैर पता चल रहा है ये मज़े के हैं। मैं जी मज़ेदार से पोटैटोस रेडी, पेरी पेरी बेबी पोटैटोस इन एयर फ्रायर। आप इसको रोस्ट, चिकन रोस्ट के साथ खाएं, मीट के साथ खाएं, ऐसे ही खाएं, वेजिटेबल्स इसके साथ और ऐड कर लें, फ्रेश सैलड के साथ खाएं, बड़े मज़े के लगते हैं। और इसको ज़रूर बनाएंगे और मुझे कॉमेंट्स में बताएंगे कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। ये आफ्टर स्कूल स्नैक जो है वो हो गया रेडी, और बच्चों को इस तरह का फूड जो है वो अच्छा लगता है। साथ मैंने केक दे दिया है और एप्पल हैं, पोटैटोज हैं, और मज़ेदार सा जो है फूड हो गया रेडी। और बच्चे इस तरह का फूड खाना जो है पसंद करते हैं, एटलीस्ट मेरे बच्चे तो करते हैं। जो चीज़ देखने में अच्छी लग रही हो बच्चे उसको लाजमी खाते हैं। ये इंडोर है ना, ये इंडोर के लिए इसका जो फ्लैट होती है सर्फेस। इंडोर किस लिए? खेलने के लिए। हाँ बैडमिंटन खेलने के लिए, लेके हो ग्रिप के लिए भी सेंटर में। यानी ये फ्लैट होती है स्पोर्ट रैक से लिखा हुआ है, काफी तो लिखा हुआ है। साठ पाउंड के थे, 30 के नहीं प्रिंस के। वो पहले और यहाँ पे बच्चों ने खाना खा लिया था, और यहाँ पे मैं करती हूँ इस वीडियो को एंड। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़। हम ऊपर आ गए हैं और सब बच्चे जो है वो अभी बात करेंगे। अभी फर्स्ट रोहान ले रहे हैं बात, थोड़ी देर ये बैठेगा टब में, रिलैक्स करेगा और इंजॉय करेगा। सो इसको ये रिलैक्सिंग टाइम बोलता है। थोड़ी देर इसने अभी बैठना 10-15 मिनट, उसके बाद फिर बारी बारी सब बच्चे बात लेंगे तीनों। और मेरे सर में इतनी दर्द हो रही, मैं तो चाय पीने लगी।